आतंकवाद पर भारत का स्टैंड हमेशा से ही क्लियर रहा है। वैश्विक स्तर पर जब भी मौका मिला, इसके खिलाफ लामबंदी का कोई मौका इंडिया ने नहीं गवाया। पीएम मोदी ने भी कई बार साफ शब्दों में पूरी दुनिया को आतंकवाद के खतरे से वाकिफ कराया है। यूएनएससी की अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि आतंकवाद के खतरे को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जा सकता है। इससे संबंधित सभी काम आपराधिक हैं। उन्होंने कहा कि सियासी फायदे के लिए आतंकवादियों को बुरा या अच्छा के रूप में वर्गीकृत करने का युग तुरंत खत्म होना चाहिए। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में उस प्रस्ताव पर हुए मतदान से दूर रहा जिसमें मानवीय सहायता को संयुक्त राष्ट्र के सभी तरह के प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रखने का प्रावधान किया गया है। भारत मतदान से अनुपस्थित रहने वाला एकमात्र देश रहा, जबकि परिषद के बाकी 14 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। भारत ने जोर देकर कहा कि प्रतिबंधित आतंकी संगठनों ने इस तरह की छूट का भरपूर फायदा उठाया है और उन्हें वित्तीय मदद जुटाने तथा लड़ाकों की भर्ती करने में सहायता मिली है। 15 सदस्य सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता फिलहाल भारत के ही पास है। इधर भारत के रुख के लिए पूर्व राजनयिक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रशंसा की है। थरूर ने एक ट्वीट में कहा, प्रस्ताव के पीछे की मानवीय चिंताओं को समझते हुए मैं भारत की उन आपत्तियों से पूरी तरह सहमत हूँ जिसने इसके बहिष्कार को प्रेरित किया। शाबाश डॉक्टर विदेश मंत्री जयशंकर, विदेश मंत्री ने एकदम सही फैसला लिया है। रुचिरा कंबोज ने कहा, हमारी चिंताएं आतंकवादी संगठनों द्वारा इस तरह की मानवीय छूट का भरपूर फायदा उठाने और 1267 प्रतिबंध समिति समेत दूसरे प्रतिबंध समितियों का मजाक बनाने के स्पष्ट उदाहरणों से उत्पन्न हुई है। कंबोज ने पाकिस्तान और उसकी जमीन पर मौजूद आतंकी संगठनों का भी परोक्ष रूप से जिक्र किया। उन्होंने कहा, हमारे पड़ोस में कई आतंकवादी संगठनों द्वारा इन प्रतिबंधों से बचने के लिए खुद को मानवीय संगठनों और नागरिक समाज ग्रुप्स के रूप में दोबारा स्थापित किए जाने के कई मामले सामने आए हैं। इनमें परिषद द्वारा प्रतिबंधित संगठन भी शामिल हैं। कंबोज का इशारा जमात उद्दावा यानी जेयूडी की तरफ था, जो खुद को एक परोपकारी संगठन बताता है, लेकिन उसे व्यापक स्तर पर लश्कर तैयबा से जुड़े अग्रिम संगठन के रूप में देखा जाता है। जमात और लश्कर द्वारा संचालित संस्था फलाह इंसानियत फाउंडेशन यानी FIF और जैश ए मोहम्मद यानी JEM द्वारा समर्थित अल रहमत ट्रस्ट भी पाकिस्तान में ही स्थित है। कंबोज ने कहा, यह आतंकवादी संगठन धन जुटाने और लड़ाकों की भर्ती करने के लिए मानवीय मदद के क्षेत्र में छूट का फायदा उठाते हैं। उन्होंने कहा, भारत 1267 प्रतिबंध समिति के तहत प्रतिबंधित उन तमाम संगठनों को मानवीय सहायता प्रदान करते समय उचित सावधानी बरतने का आह्वान करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सार्वभौमिक रूप से आतंकवादी पनाहगाह के रूप में स्वीकार किए गए क्षेत्रों में सरकार के पूर्ण समर्थन के साथ फलते फूलते हैं।